अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में, और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 17th एपिसोड। और हम इस एपिसोड में पिटबुल वर्सेस डॉबरमैन के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओरिजिन: पिटबुल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट से है। पिटबुल डॉग टेरियर और बुलडॉग का क्रॉस ब्रीड है। पिटबुल डॉग फियरलेस और स्ट्रांग होते हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में इनकी बैड रेपुटेशन है। और ये डॉग ब्रीड फ्लोरिडा, ग्रेट ब्रिटेन, डेनवर और न्यूजीलैंड में बैन है। लेकिन समय के बदलते वक्त में कुछ सिटीज इनके ऊपर से बैन हटा रही है। डॉबरमैन डॉग का ओरिजिन जर्मनी से है। डॉबरमैन को कार्ल लुईस डॉबरमैन ने 1880 में पहली बार ब्रीड किया था। वो एक टैक्स कलेक्टर थे, उनको बड़े अमाउंट में पैसे ले जाने पड़ते, इसलिए उन्होंने डॉबरमैन को ब्रीड किया। इस डॉग को 8 डॉग ब्रीड्स को मिलाकर बनाया गया है। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन: पिटबुल डॉग मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स पावर और एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन डॉग्स को बचपन से ही अच्छी तरह सोशलाइज किया तो ये डॉग्स अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग भी बन सकते हैं। इन डॉग्स को डेली 40-50 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए, और इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है। पिटबुल को अपने मालिक के साथ रहना बहुत पसंद होता है और बहुत लगाव भी होता है। अगर कोई स्ट्रेंजर अपने ओनर के ऊपर हमला करे तो वो उनकी जान भी ले सकता है। डॉबरमैन डॉग वर्ल्ड गार्ड डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं, और इंटेलिजेंट डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं। ये अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर इस्तेमाल हाउस गार्डिंग, पुलिस फोर्स और मिलिट्री फोर्स में किया जाता है। डॉबरमैन डॉग प्रोटेक्टिव और लॉयल डॉग ब्रीड है। ये डॉग साइज में बड़े होते हैं, इसलिए इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत होती है। डॉबरमैन डॉग को गार्डिंग के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरली ही गार्ड डॉग होते हैं। लेकिन इनको अच्छे सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, वरना ये बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। कलर एंड शेडिंग: पिटबुल डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लूइश ग्रे, ब्राउन, ग्रे, वाइट, रेडिश ब्राउन और फॉन कलर्स में पाए जाते हैं। पिटबुल का कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इनको ग्रूमिंग करना और मेंटेन रखना आसान होता है, और इनका शेडिंग सीजन 8-9 मंथ्स में आता है। डॉबरमैन डॉग वाइट, ब्लैक, फॉन, ब्लैक एंड रस्ट, फॉन एंड रस्ट और रेड एंड रस्ट कलर में पाए जाते हैं। इन डॉग का कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इनको ज़्यादातर ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती, और इनका शेडिंग सीजन 8-9 मंथ में आता है। मेंटेनेंस: पिटबुल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 25,000-30,000 तक आता है। डॉबरमैन का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 15,000-20,000 तक होता है। हाइट: पिटबुल की एवरेज हाइट 18-20 इंचेस होती है। डॉबरमैन डॉग की एवरेज हाइट 24-30 इंचेस होती है। वेट: पिटबुल का एवरेज वेट 14-30 केजी तक होता है। डॉबरमैन का एवरेज वेट 32-45 केजी तक होता है। लीटर साइज: पिटबुल की लीटर साइज एवरेज 5-10 पपीज तक होती है। डॉबरमैन की लीटर साइज एवरेज 6-8 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन: पिटबुल का लाइफ स्पैन 8-15 ईयर्स तक होता है। डॉबरमैन का लाइफ स्पैन 10-13 ईयर्स तक होता है। प्राइस: पिटबुल की एवरेज प्राइस 12,000 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। डॉबरमैन की प्राइस 7,000 से लेके 16,000 तक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज के डॉग वर्सेस डॉग का 17th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन सा गार्ड डॉग चूज़ किया, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।